नमस्कार, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका डीएस टॉक्स के इस नए वीडियो में। ये वीडियो में डेडिकेटेड कोयना मित्रा के ऊपर फोकस कर रहा हूं। पिछला जो वीकेंड का वार था तब से लेकर अब तक अगर आपने कोयना मित्रा की बिग बॉस 13 की जर्नी को देखा है तो वो एक टाइम पर काफी ऊपर थी, अब वो उनका जो जर्नी है वो नीचे की तरफ आ रहा है एंड इस बात का क्रेडिट आपको शो के होस्ट को देना पड़ेगा। इस वीक नॉमिनेशन में कोयना मित्रा है एंड जिस तरह का माहौल, जिस तरह की वाइब्स कोयना मित्रा को मिल रही हैं, स्पेशली कल रात के एपिसोड में आपने देखा भी था कि वो काफी इनसिक्योर हैं। वो नॉमिनेशन में आने के बाद उनका रश्मि से भी काफी होता है, वो सिद्धार्थ शुक्ला से भी काफी बात करती हैं एंड कहीं ना कहीं शायद उन्हें आभास हो गया है कि वो इस शो से इविक्ट होने वाली हैं। मैं तो चाहता हूं कि कोयना मित्रा इस शो से इविक्ट हो जाए क्योंकि ये शो उनके लिए नहीं है। इस शो में फेक कनेक्शन बनाते हैं और कोयना मित्रा ये बात काफी ब्लंट तरीके से कह चुकी हैं कि ये फेक कनेक्शन और फेक अफेयर्स और ये सब मेरे बस की बात नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम मी। एंड सबसे बड़ी बात जो कोयना मित्रा के खिलाफ जा सकती है या जा रही है या जाएगी, क्योंकि रश्मि देसाई तो कलर्स का फेस है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली। एक जो पंजाब की कटरीना, वो तो सलमान खान का वरद हस्त प्राप्त है उसको, वो कुछ भी करेगी, सलमान बोलेंगे मैं हूं ना, डोंट वरी, वो भी नहीं जाने वाली। वो कंटेंट के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर फुवड़पति कुछ भी करेगी, सलमान खान सब बर्दाश्त कर लेंगे। हालांकि ये वही सलमान खान है जो बिग बॉस 11 के टाइम पर पुनीश और बंदगी को झाड़ देते थे कि तुम लोग बहुत कोजी कोजी हो रहे हो, लेकिन यहां पर ये कोजी वोजी को सलमान खान खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। आपने वीकेंड के बारे में देखा था, जैसे ही कोयना मित्रा ने सलमान खान के सामने बोलना शुरू करा था अबाउट सिद्धार्थ डे और नेपोटिज्म की बात और तमाम बातें थी, सलमान खान ने कोयना मित्रा की 1% भी बात नहीं सुनी थी और उन्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया था कि वो फुग्गा फोड़ो और आप चली जाओ। तो देखिए ऐसा है, कोयना मित्रा बड़ी ही मैच्योर है एंड इंडस्ट्री से ना होने के बावजूद उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, साकी साकी गर्ल के नाम से फेमस हुई। उन्होंने बिग बॉस के अंदर ही नेपोटिज्म की बात की है और सलमान खान तो नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है भाई, करण जौहर के बाद दूसरा नाम सलमान खान का ही आता है अपने दोस्तों यारों भाई भतीजे। हालांकि सलमान खान के लॉन्च करे वो सब लोग फ्लॉप ही हो गए हैं, लेकिन सलमान खान भी नेपोटिज्म के एक बहुत बड़े झंडा बरदार हैं। तो सलमान खान के शो में अगर कोयना मित्रा नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोल रही हैं, फेवरिज्म के अगेंस्ट बोल रही हैं, तो ये बात सलमान खान तो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो आई थिंक बिग बॉस की टीम ने एक प्रॉपर तरीके से प्लान बना लिया है और दलजीत को भी वो नहीं निकालेंगे, दलजीत कौर को और शहनाज गिल को तो निकालेंगे ही नहीं और रश्मि देसाई तो टॉप 5 तक लेके जाएंगे, एमजी साथ में आई है। कोयना मित्रा आई थिंक सलमान खान की जिस तरह की दोगली बातें इस सीजन में हो रही हैं, कोयना मित्रा शायद उन बातों को बर्दाश्त नहीं करे और सलमान खान को एक टफ टाइम दे सकती हैं ड्यूरिंग वीकेंड के डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो शायद सलमान खान के सामने मेकर्स एक ऐसे माइंडेड इंसान को नहीं लाना चाहते जो लॉजिकल बात करे, प्रैक्टिकल बात करे और फैक्ट के ऊपर बात करे। बिग बॉस में उनको चाहिए एकदम उल्लू के पट्टे जिनमें दिमाग नहीं हो, जो किसी ने बोल दिया हाँ तो हाँ, किसी ने बोल दिया ना तो ना, जिनकी खुद का कोई स्टैंड या सोच ना हो। हालांकि ये स्टैंड लेना है, ये लो स्टैंड वो लो स्टैंड खूब करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो जो स्टैंड लेता है रियल चीज के लिए उसको शो के मेकर शो से वटा ही देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोयना मित्रा के साथ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा 100%, खैर ये बात हमें 2-4 दिन के अंदर पता चल ही जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि कोयना मित्रा को एक पूरा प्लान करके निकालने की ये कोशिश की गई है नॉमिनेशन में, वरना आप देखो ना घर के अंदर जय अबूमती, अबू मलिक कर क्या रहे हैं, उनका तो कुछ एपिसोड में वो ज्यादातर हमें दिखते भी नहीं है। टीवी की जो बहुएं हैं वो भले ही हमें 1-2 दिन के एपिसोड में दिखी, लेकिन उनका कोई स्टैंड, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं दिखा, जबकि कोयना मित्रा डे 1 से बहुत ही टू द पॉइंट बात कर रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मुंह पर बोलने का दम रखती है। शायद बिग बॉस के ऐसे लोग पसंद नहीं है, ऐसे फेक और यू नो एकदम थर्ड क्लास लोगों के बीच में रहने से बेटर है अपना स्वाभिमान के साथ शो से बाहर आ जाना। अगर आप वोट करेंगे भी कोयना मित्रा के लिए तो भी शायद हो सकता है कि कंटेंट और फुहड़ता को बढ़ावा देने के लिए शो के मेकर्स एकदम असली लोंडे लोंडियों को शो के अंदर रखें और मैच्योर समझदार इंसान लाइक कोयना मित्रा शायद बाहर निकाल दें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएस टॉक्स। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।